लाल सिंह चड्ढा आमिर खान के प्रोडक्शन। आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही बड़े लेवल पर सुपर डुपर फ्लॉप रही। इसमें ना एक्टिंग दिखी, ना डायरेक्शन दिखा, ना कोई ढंग की स्टोरी दिखी, ना डायलॉग्स दिखे। दिखा है तो सिर्फ इसमें प्रोपेगेंडा दिखा है कि किस तरह से एक पाकिस्तानी आतंकवादी को महान बनाना है, वो इंडिया में आकर इतना बदल जाता है कि पाकिस्तानी आतंकवादी को इंडियन से बहुत प्यार हो जाता है, यहाँ पर वो बिजनेस करता है, बिजनेस ग्रो करता है, एंटरप्रेन्योर बन जाता है। मतलब सोचने वाली बात है कि आमिर खान दिखाना क्या चाहते थे। ये फिल्म सिनेमाघरों में किसी को पसंद नहीं आई, बहुत बड़े लेवल पर फ्लॉप रही। लेकिन अब ये OTT पर रिलीज हुई है तो OTT पर इसका जम की तारीफें हो रही है कि OTT पर देखने वालों की संख्या बहुत बढ़ गई है, लोग इसकी जमकर तारीफ कर रहे हैं। लोग ये बोल रहे हैं कि यार इतनी अच्छी फिल्म हमने सिनेमाघरों में बस इस वजह से मिस कर दी क्योंकि बॉयकॉट बॉलीवुड का ट्रेंड चल रहा था। और इसी तरह की बातें ब्रह्मास्त्र को लेकर भी परोसी जा रही है। मतलब आने वाले कल में और भी कोई फिल्म होगी तो उसको भी लेकर यही कहा जाएगा कि यार तापसी पन्नू की दोबारा भी बहुत अच्छी फिल्म थी लेकिन हमने बॉयकॉट के चलते इस फिल्म को नहीं देखा। यार स्वरा भास्कर की भी फिल्म अच्छी थी, कितनी बढ़िया तरीके से उंगली कर रही थी लेकिन हमने उस फिल्म को नहीं देखा। ऐसी बहुत सारी बातें सुनने और देखने को मिल सकती है। तो इस फिल्म में मोहम्मद भाई का एक किरदार किया था, मानव विज नाम का ये कैरेक्टर है जो लाल सिंह चड्ढा में आतंकी बना था, पाकिस्तानी आतंकी जो इंडिया में आकर एंटरप्रेन्योर बन जाता है, बड़ा बड़ा बिजनेस खोल लेता है। तो इन भाई साहब का ये कहना है कि जनता को चाहिए कि जब आपने इस फिल्म को थिएटर में नहीं देखा है तो आपने बहुत बड़ी गलती की है। प्रोड्यूसर के अकाउंट में आप लोग 500-500 रुपए भेज दीजिए क्योंकि आपने प्रोड्यूसर का बहुत बड़ा नुकसान किया है। ऐसा लग रहा है पैसे तो झाड़ पे उगे हुए लोगों के। अरे जिन लोगों को फिल्में देखनी होगी वो ऑलरेडी देख चुके हैं, वो OTT पर क्यों देखेंगे। ऐसा कहा जा रहा है कि नेटफ्लिक्स पर ये इंडिया में नंबर 1 की पोजीशन पर चल रही है और वर्ल्ड वाइड नंबर 2 की पोजीशन पर चल रही है। इतने लोगों ने लाल सिंह चड्ढा को OTT पर देख लिया है नेटफ्लिक्स के ऊपर। इन भाई साहब ने कहा क्या, इन भाई साहब का ये कहना है कि ये बॉयकॉट जो ट्रेंड चल रहा है ये आपको बहुत कंफ्यूज करता है। कई लोग जो है ट्विटर पर माफी मांग रहे हैं, हाथ जोड़कर माफी मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बॉयकॉट लाल सिंह चड्ढा के ट्रेंड को देखने के बाद ही हमने इस फिल्म को थिएटर में देखने का नहीं प्लान बनाया, लेकिन जब हमने इसे नेटफ्लिक्स पर देखा तो ये हमें बहुत पसंद आई। मैंने कहा कि अगर तुम इतने ही दिल से माफी मांग रहे हो, इतना ही तुम्हें ये फिल्म अच्छा लगा है तो आमिर खान के प्रोडक्शन हाउस को 500-500 रुपए भेज दो क्योंकि तुम लोगों की बेवकूफी के चलते प्रोड्यूसर को बहुत बड़ा घाटा हो गया है। बताइए ऐसे तो ये महान बेवकूफ टाइप के एक्टर है कि लोग जिस फिल्म को नकार चुके हैं, जिनको देखना होगा OTT पर अभी देखने के लिए इंतजार करेंगे, वो कब का देखकर साइड में हट चुके हैं तरह तरह के प्लेटफॉर्म से डाउनलोड करके। और ये बोल रहे हैं कि तुम बेवकूफ लोग हो, जनता इस देश की बेवकूफ है। अरे बेवकूफ तो तुम हो जो इस तरह के रोल कर रहे हो कि एक पाकिस्तानी आतंकी इंडिया में आकर उद्यमी बन जा रहा है, बिजनेस कर रहा है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए इस तरह की बातें बोलते हुए भी। होता क्या है कि इनकी कोई वेब सीरीज आ रही है उसकी प्रमोशन करने के लिए तरह तरह की बकैती कर रहे हैं और इनको लगता है कि इनकी बकैती लोगों को पसंद आ जाएगी। यहाँ बड़े बड़े कलाकारों को लोगों ने लात मार के बगल में कर दिया है और ये जिनको कोई जानता नहीं है चिल्लर पिल्लर एक्टर, इनको लगता है कि ये कुछ बोलेंगे तो जनता इनकी बातों को बहुत ध्यान से सुनेगी। नहीं 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 भैया कितना सही बात बोल रहे हैं। अरे जाओ भैया, तुम लोगों को कोई पूछता भी नहीं है।